आज जो बनाने वाली हूँ दही बेसन आलू पालक सब्जी, जो ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, ये तो फायदा और सेहत के लिए सबसे यूजफुल होता ही है। अगर हमारे ट्रिक से इस तरह बनाकर खाएंगे तो इस तरह का टेस्टफुल सब्जी हमेशा बनाएंगे। इस तरह की सब्जी रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। ये देखें, 2 टमाटर, 3 बड़े आलू, 2 चम्मच बेसन और दही ले ली हूँ और इसके सब्जी में बनाने वाली हूँ। सबसे पहले पालक पत्ते को अच्छे से गुनगुने पानी में धोएं। कोई भी हरी सब्जी गुनगुने पानी में धोएं, क्योंकि कीटनाशक दवाई डाले रहते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसे वाश कर लेनी चाहिए। यह सभी देखिए छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ले ली हूँ और आलू भी टमाटर काट कर ले ली हूँ। कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ और इसमें पहले जीरा या फोरन डालें। ये देखें फोरन बना कर रखी हूँ, इसमें डाल लेंगे और इसमें कुछ हींग डालेंगे और इसके बाद आलू डालकर ब्राउन करेंगे। ये देखें आलू भी डाल लेंगे और आलू डालकर पहले ब्राउन कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे 2 मिनट तक ब्राउन करना है। सभी को इसमें डाल लेते हैं और 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। इसे भुने हुए 1.5 मिनट हो चुका है, ये ब्राउन हो चुका है आलू, और इसमें 1 बड़ी चम्मच हल्दी डाल लेंगे। ये देखें हल्दी भी डाल लेंगे। इसके बाद बेसन 2 चम्मच जो रखी थी उसे भी डाल लेंगे। ये बेसन भी डाल लेंगे। और इसके बाद मिलाकर जो मसाले रखी हूँ, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीनों को मिलाकर रखी हूँ, इसी में डाल लेंगे। आप अपने अनुसार कोई भी मसाले डालें। ये देखें 2 चम्मच डाल लेंगे छोटी चम्मच से और ये थोड़ी धनिया पाउडर भी डाल लेंगे छोटी चम्मच से, 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह और 1/2 मिनट तक चला लेंगे। इसके बाद कटी हुई पालक भी डाल लेंगे और इसे भी 1/2 मिनट तक भून लेना है, जब तक पालक गले नहीं। ये देखें इस तरह भून लेना है। और जो काट कर टमाटर रखे हुए हैं उसे भी डाल लेंगे। ये देखें पालक गल चुका है और इसके बाद टमाटर जो काट कर रखे हैं उसे भी डाल लेंगे, इसे भी भून लेना है। जब तक टमाटर गले नहीं तब तक भूनना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें ये देखें इस तरह के मसाले कुछ ले ली हूँ, साबुत धनिया, गोलकी, कुछ गरम मसाले, सभी तरह के, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सभी को हल्का गरम कर लेना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है और इसे रोस्ट कर लेना है। मैं हमेशा इस तरह क्रश कर कर सब्जी में डालते रहती हूँ। ये देखें बहुत टेस्टफुल इस तरह डालने पर होता है क्रश कर कर। ये देखें इसे क्रश कर कर रख लेना है। इसके बाद इसमें जो पानी डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है सब्जी में। ये देखें पानी जो डालेंगे, गुनगुना पानी डालेंगे, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि सब्जी का स्वाद बिगड़ सकता है। मैं हमेशा हर सब्जी और कोई भी रेसिपी में गर्म पानी ही डालती हूँ।
कोई भी सब्जी दाल वगैरह में गर्म पानी यूज करती हूँ, ये देखें, और इसे ढक लेना है और चलते हैं। मसाले को क्रश कर लेंगे और कुछ इस तरह दही लेंगे, इसे और टेस्टफुल बनाना है। ये देखें, एक चम्मच नमक डाल लेती हूँ, नमक डालना भूल गई थी इसलिए आप अपने अनुसार डालेंगे। ये देखें मसाले क्रश कर कर रख लिए हैं और दही में डाल लेंगे, और एक चम्मच छोटी चम्मच से लाल काश्मीरी मिर्च डालना है। इसे सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत अच्छा होता है। ये देखें कस्तूरी मेथी भी एक चम्मच डालेंगे और सभी को दही में मिक्स कर कर कढ़ाई में डाल लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फुल फ्लेम पे एक मिनट तक चलाते रहना है। ये देखें ये हमारी सब्जी रेडी हो चुका है, इसे आप रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। हमारी आलू पालक बेसन दही ग्रेवी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।